पवित्राधिवासन की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं पवित्रारोहण का वर्णन करूंगा जो क्रिया योग तथा पूजा आदि में न्यूनता की पूर्ति करने वाला है। जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है उसे नित्य कहा गया है तथा दूसरा जो विशेष निमित्त को लेकर किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। आषाढ़ मास की आदि चतुर्दशी को तथा श्रावण भाद्रपद मासों की शुक्ल कृष्ण उभय पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए अथवा आषाढ़ मास की पूर्णिता से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिपदा आदि तिथियों को विभिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोहण करना चाहिए। प्रतिपदा को अग्नि के लिए, द्वितीया को ब्रह्मा जी के लिए, तृतीया को पार्वती के लिए, चतुर्थी को गणेश के लिए, पंचमी को नागराज अनंत के लिए, षष्ठी को स्कंद के अर्थात तुम्हारे लिए, सप्तमी को सूर्य के लिए, अष्टमी को शूलपाणी अर्थात मेरे लिए, नवमी को दुर्गा के लिए, दशमी को यमराज के लिए, एकादशी को इंद्र के लिए, द्वादशी को भगवान गोविंद के लिए, त्रयोदशी को कामदेव के लिए, चतुर्दशी को मुझ शिव के लिए तथा पूर्णिमा को अमृतभोजी देवताओं के लिए पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए। सत्ययुग आदि तीन युगों में क्रमशः सोने चांदी और तांबे के पवित्रक अर्पित किए जाते हैं, किंतु कलयुग में कपास के सूत, रेशमी सूत अथवा कमल आदि के सूत का पवित्रक अर्पित करना चाहिए। प्रणव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नागगण, स्कंद, श्रीहरि, सर्वेश्वर और संपूर्ण देवता, ये क्रमशः पवित्रक के नौ तंतुओं के देवता हैं। उत्तम श्रेणी का पवित्रक 108 सूत्रों से बनता है, मध्यम श्रेणी का 54 तथा निम्न श्रेणी का 27 सूत्रों से निर्मित होता है अथवा 81, 50 या 38 सूत्रों से उसका निर्माण करना चाहिए। जो पवित्रक जितने नौ सूत्री से बनाया जाए उसमें बीच में उतनी ही गांठें लगानी चाहिए। पवित्रकों का व्यास माने या विस्तार 12 अंगुल, 8 अंगुल अथवा 4 अंगुल का होना चाहिए। यदि शिवलिंग के लिए पवित्रक बनाना हो तो उस लिंग के बराबर ही बनाना चाहिए। इस प्रकार तीन तरह के पवित्रक बताए गए। इसी तरह एक चौथे प्रकार का भी पवित्रक बनता है जो सभी देवताओं के उपयोग में आता है। वो उनकी पिंडी या मूर्ति के बराबर का बनाया जाना चाहिए। इस तरह बने हुए पवित्रक को गंगा अवतारक कहते हैं। इसे सद्योजात मंत्र के द्वारा भलीभांति धोना चाहिए। इसमें वामदेव मंत्र से ग्रंथि लगावे, अघोर मंत्र से इसकी शुद्धि करें तथा तत्पुरुष मंत्र से रक्त चंदन एवं रोली द्वारा इसको रंगे अथवा कस्तूरी, गोरोचना, कपूर, हल्दी और गेरू आदि से मिश्रित रंग के द्वारा पवित्रक मात्र को रगाना चाहिए। सामान्यतः पवित्रक में 10 गांठें लगानी चाहिए अथवा तंतुओं की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगावे। एक गांठ से दूसरी गांठ में 1, 2 या 4 अंगुल का अंतर रखें। अंतर उतना ही रखें जिससे उसकी शोभा बनी रहे। प्रकृति क्रिया, पौरुषी विरा, अपराजिता, जया, विजया, अजीता, सदाशिवा, मनोन्मनी तथा सर्वोत्मुखी, ये 10 ग्रंथियों की अभिष्ठात्री देवियां अथवा 10 से अधिक भी सुंदर गांठें लगानी चाहिए। पवित्रक के चंद्रमंडल, अग्निमंडल तथा सूर्यमंडल से युक्त होने की भावना करके उसे साक्षात भगवान शिव के तुल्य मानकर हृदय में धारण करें। मन ही मन उसके दिव्य स्वरूप का चिंतन करें। शिव रूप से भावित अपने स्वरूप को, पुस्तक को तथा गुरुगण को एक पवित्रक अर्पित करें। इसी प्रकार द्वालपाल, दिक्पाल और कलश आदि पर एक एक पवित्रक चढ़ाना चाहिए। शिवलिंगों के लिए एक हाथ से लेकर 9 हाथ तक का पवित्रक होता है। एक हाथ वाले पवित्रक में 28 गांठें होती हैं, फिर क्रमशः 10-10 गांठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह 9 हाथ वाले पवित्रक में 108 गांठें होती हैं। ये ग्रंथियां क्रमशः 1, 2 या 2 अंगुल के अंतर पर रहती हैं। इनका मान भी लिंग के विस्तार के अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पवित्रारोपण करना हो उससे एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को उपासक नित्य कर्म करके पवित्र हो सायंकाल में पुष्प और वस्त्र आदि से याग मंदिर, पूजा मंडप को सजावे। नैमित्तिक की संध्योपासना करके विशेष रूप से तर्पण कर्म का संपादन करने के पश्चात पूजा के लिए निश्चित किए हुए पवित्र भूभाग में सूर्य देव का पूजन करे। आचार्य को चाहिए कि वो आचमन एवं सरलीकरण की क्रिया करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक अर्धपात्र हाथ में लिए अस्त्र मंत्र फट बोलकर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से संपूर्ण द्वारों का प्रोक्षण करके उनका पूजन करें। हाँ, शांति कला द्वाराय नमः। हाँ, विद्या कला द्वाराय नमः। हाँ, निवृत्ति कला द्वाराय नमः। हाँ, प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः। इन मंत्रों से पूर्वादि चारों द्वारों का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक द्वार की दक्षिण और वाम शाखाओं पर 2-2 द्वारपालों का पूजन करें। पूर्व में नंदी में नमः,
महाकालाय नमः, इन मंत्रों से नंदी और महाकाल का। दक्षिण में भृंगणे नमः, गणाय नमः, इन मंत्रों से भृंगी तथा गण का। पश्चिम में वृषभाय नमः, स्कंदाय नमः, इन मंत्रों से नंदिकेश्वर, वृषभ तथा स्कंद का। तथा उत्तर द्वार में देवाय नमः, चंडाय नमः, इन मंत्रों से देवी तथा चंड नामक द्वारपालक का क्रमशः पूजन करें। इस प्रकार द्वारपाल आदि की नित्य पूजा करके पश्चिम द्वार से होकर याग मंदिर में प्रवेश करें, फिर वास्तु देवता का पूजन करके बुध शुद्धि करें। तत्पश्चात विषधार्य में हाथ में लेकर अपने में शिव स्वरूप की भावना करते हुए पूजा सामग्री का प्रोक्षण आदि करके यज्ञ भूमि का संस्कार करें। फिर कुश, दुर्वा और फूल आदि हाथ में लेकर नमः आदि के उच्चारण पूर्वक उसे अभिमंत्रित करें। इस प्रकार शिवहस्तक का विधान करके उसे अपने सिर पर रखें और ये भावना करें कि मैं सबका आदि कारण सर्वज्ञ शिव हूँ तथा यज्ञ में मेरी ही प्रधानता है। इस प्रकार आचार्य भगवान शिव का अत्यंत ध्यान करें और ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए नैऋत्य दिशा में जाकर उत्तराभिमुख हो, अर्ध का जल छोड़ें तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर पांच गव्य छुए। चतुष्पतांत संस्कार और उत्तम संस्कार युक्त वीक्षण आदि के द्वारा महासब और गौर सर्पश आदि बिखेरने योग्य वस्तुओं को बिखेर कर कुछ निर्मित कुर्च के द्वारा उनका उपसंहार करें। फिर उनके द्वारा ईशान कोण में वर्धनी एवं कलश के स्थापना के लिए आसन की कल्पना करें। तत्पश्चात नैऋत्य कोण में वास्तु देवता का तथा द्वार पर लक्ष्मी का पूजन करें। फिर पश्चिमाभिमुख कलश को सप्तधान्य के ऊपर स्थापित करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक ये भावना करें कि ये शिव स्वरूप कलश नंदिकेश्वर वृषभ के ऊपर आरूढ़ है, साथ ही वर्धनी सिंह के ऊपर स्थित है, ऐसी भावना करें। कलश पर सांग भगवान शिव की और वर्धनी में अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का तथा मंडप के मध्य भाग में ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आदि का पूजा करें। तत्पश्चात कलश के पृष्ठभाग का अनुसरण करने वाली वर्धनी को भलीभांति हाथ में लेकर मंत्रज्ञ गुरु भगवान शिव की आज्ञा सुना लें। फिर पूर्व से लेकर प्रदक्षिणाक्रम से चलते हुए ईशान कोण तक जल की अविच्छिन्न धारा गिरावें और मूल मंत्र का उच्चारण करें। शस्त्र रूपणी वर्धनी को यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए उसके चारों ओर घुमाएं। पहले कलश को आरोपित करके उसमें वाम भाग में शस्त्र के लिए वर्धनी को स्थापित करें। उत्तम एवं सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर का तथा प्रणव पर स्थित हुई वर्धनी में उनके आयुध का पूजन करें। तदनंतर उन दोनों का लिंग मुद्रा के द्वारा परस्पर संयोग कराकर भगलिंग संयोग का संपादन करें। कलश पर ज्ञान रूपी खड्ग अर्पित करके मूल मंत्र का जप करें। उस जप के दशांश होम से वर्धनी में रक्षा घोषित करें। फिर वायव्य कोण में गणेश जी की पूजा करके पंचामृत आदि से भगवान शिव को स्नान करावे और पूर्वत पूजन करके कुंड में शिव स्वरूप अग्नि की पूजा करें। इसके बाद विधि पूर्वक चरु तैयार करके उसे संपताहूति की विधि से शोधित करें। तदनंतर भगवान शिव अग्नि और आत्मा के भेद से तीन अधिकारियों के लिए चम्मच से उस चरु के तीन भाग करें तथा अग्निकुंड में शिव एवं अग्नि का भाग देकर शेष भाग आत्मा के लिए सुरक्षित रखें। तत्पुरुष मंत्र के साथ हुम जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक पूर्व दिशा में इष्ट देव के लिए दंत धावन अर्पित करें। अघोर मंत्र के अंत में वशट जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक उत्तर दिशा में आंवला अर्पित करें। वामदेव मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए जल निवेदन करें। ईशान मंत्र से ईशान कोण में सुगंधित जल समर्पित करें। पंचगव्य और पलाश आदि के दोने सब दिशाओं में रखें। ईशान कोण में पुष्प, अग्नि कोण में गुरुचन, नैऋत्य कोण में अगुरु तथा वायव्य कोण में चतुसम समर्पित करें। तुरंत के पैदा हुए कुशों के साथ समस्त होम द्रव्य भी अर्पित करें। दंड, अक्षसूत्र, कौपीन तथा भिक्षा पात्र भी देव विग्रह को अर्पित करें। काजल, कुंगुम, सुगंधित तेल, केशों को शुद्ध करने वाली कंघी, पान, दर्पण तथा गोरोचन भी उत्तर दिशा में अर्पित करें। तत्पश्चात आसन, खड़ायु, पात्र, योगपट्ट और छत्र, ये वस्तुएं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ईशान कोण में ईशान मंत्र से ही निवेदित करें। पूर्व दिशा में घी सहित चरु तथा गंध आदि भगवान तत्पुरुष को समर्पित करें। तदनंतर अर्ध जल से प्रक्षालित तथा संहिता मंत्र से शोधित पवित्रकों को लेकर अग्नि के निकट पहुंचावे। कृष्ण मृगचर्म आदि से उन्हें ढककर रखें। उनके भीतर समस्त कर्मों के साक्षी और संरक्षक सन्वत्तर स्वरूप अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। फिर स्वा और हा का प्रयोग करते हुए मंत्र संहिता के पाठ पूर्वक 21 बार उन पवित्रकों का शोधन करें।
तत्पश्चात ग्रह आदि को सूत्रों से वेष्टित करें, सूर्य देव को गंध पुष्प आदि चढ़ावें, फिर पूजित हुए सूर्य देव को आचमन पूर्वक अर्घ दें। न्यास करके नंदी आदि द्वारपालों को और वास्तु देवता को भी गंधादि समर्पित करें। तदनंतर यज्ञ मंडप के भीतर प्रवेश करके शिव कलश पर उसके चारों ओर इंद्रादि लोकपालों और उनके शस्त्रों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करें। इसके बाद वर्धनी में विघ्नराज गुरु और आत्मा का पूजन करें। इन सब का पूजन करने के अनंतर सर्वोषधि से लिप्त, धूप से धूपित तथा पुष्प दुर्वा आदि से पूजित पवित्रक को दोनों अंजलियों के बीच में रख लें और भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहें, सबके कारण तथा जड़ और चेतन के स्वामी परमेश्वर, पूजन की समस्त वेदियों में होने वाली त्रुटि की पूर्ति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपसे अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति कराने वाली सिद्धि चाहता हूँ। आप अपनी आराधना करने वाले इस उपासक के लिए उस सिद्धि का अनुमोदन कीजिए। शंभो, आपको सदा और सब प्रकार से मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, आप देवी पार्वती और गणेश्वरों के साथ आमंत्रित हैं। मंत्रेश्वरों, लोकपालों तथा सेवकों सहित आप पधारें। परमेश्वर, मैं आपको सादर निमंत्रित करता हूँ। आपकी आज्ञा से कल प्रातःकाल पवित्रारोपण तथा तत्संबंधी नियम का पालन करूंगा। इस प्रकार महादेव जी को आमंत्रित करके रेचक प्राणायाम के द्वारा अमृतीकरण की क्रिया संपादित करते हुए शिवांत मूल मंत्र का उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान शंकर से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात चरु से तृतीय अंश का होम करें, उसे शिव स्वरूप अग्नि को, दिग्वासियों को, दिशाओं को, अधिपतियों को, भूतगणों को, मातृगणों को, एकादश रुद्रों को तथा क्षेत्रफाल आदि को उनके नाम मंत्र के साथ नमः स्वाहा बोलकर आहुति के रूप में अर्पित करें। इसके बाद उन सबका चतुरंथ नाम बोलकर अतयम बलि कहते हुए बलि समर्पित करें। पूर्वादि दिशाओं में दिग्गजों आदि के साथ दिक्पालों को, क्षेत्रपालों को तथा अग्नि को भी बलि समर्पित करनी चाहिए। बलि के पश्चात आचमन करके विधि विच्छिन्द्र पूर्वक होम करें, फिर पूर्णाहुति और व्याहृति होम करके अग्निदेव को अवरुद्ध करें। तदनंतर ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोभ्याय स्वाहा, ओम अग्नये श्विष्टकृते स्वाहा, इन चार मंत्रों से चार आहुतियां देकर भावी कार्य की योजना करें। अग्निकुंड में पूजित हुए आराध्य देव भगवान शिव को पूजा मंडल में पूजित कलश शिव में नाड़ी संधान रूप में विधि से संयोजित करें, फिर बांस आदि के पात्र में पट और नमः के उच्चारण पूर्वक अस्त्रन्यास और हृदयन्यास करके उसमें सब पवित्रकों को रख दें। इसके बाद शांति कलात्मने नमः, विद्या कलात्मने नमः, निवृत्ति कलात्मने नमः, प्रतिष्ठा कलात्मने नमः, शांत्यतीत कलात्मने नमः, इन कला मंत्रों द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करें। फिर प्रणव मंत्र अथवा मूल मंत्र से षटंगन्यास करके नमः हूँ एवं फट का उच्चारण करके उनमें क्रमशः हृदय कवच एवं अस्त्र की योजना करें। ये सब करके उन पवित्रकों को सूत्रों से आवेष्टित करें, फिर नमः स्वाहा वशट होम वौषट तथा फट इन अंग संबंधी मंत्रों द्वारा उन सब का पूजन करके उनकी रक्षा के लिए भक्तिभाव से नम्र हो उसे जगदीश्वर शिव को समर्पित करें। इसके बाद पुष्प धूप आदि से पूजित सिद्धांत ग्रंथ पर पवित्र अर्पित करके गुरु के चरणों के समीप जाकर उसे भक्ति पूर्वक पवित्र करें, फिर वहां से बाहर आकर आचमन करें और गोबर से लिपे पुते मंडल छत्र में क्रमशः पंचगव्य चरु एवं दंत धावन का पूजन करें। तदनंतर भलीभांति आचमन करके मंत्र से आवृत एवं सुरक्षित साधक रात्रि में संगीत की व्यवस्था करके जागरण करें। आधी रात के बाद भोग सामग्री की इच्छा रखने वाला पुरुष मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करता हुआ कुश की चटाई पर सोए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष भी इसी प्रकार जागरण करके उपवास पूर्वक एकाग्र चित्त हो केवल भस्म के शैया पर सोए।